उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में इस समय चुनावी सरगर्मियां काफी तेज लग रही हैं। चुनावी सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता ने रामपुर के सांसद आजम खान पर तंज कसा है और कहा है कि आजम खान तो चपरासी से भी बदतर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामपुर से हमारे संवाददाता सफदर हसन फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। सफदर, क्या भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण का ये चुनावी स्टंट है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मतलब भाजपा ने भारत भूषण गुप्ता को रामपुर के उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने रामपुर की जनता से कहा कि आजम खान तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है और आप लोगों ने उन्हें सांसद बना के फैसला ले लिया। जी सफदर, क्या इस तरह से वो जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? उनकी इसी बात को लेकर के खासकर देखा जाए तो बीजेपी कैमरे में भी काफी नाराजगी की, इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक सांसद के लिए कर रहे हो जो कि पिछले 9 बार से लगातार रामपुर की इसी सीट से विधायक भी रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं। जी, तो अब देखने वाली बात यह है कि भारत भूषण गुप्ता इस तरह के टिप्पणियां कर क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की ओर आकर्षित कर पाएंगे, लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला लगता नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे। सफदर, क्या आजम खान की तरफ से इस बयान पर कोई टिप्पणी सामने आई है? फिलहाल अभी तक तो कुछ भी खुलकर किसी ने बयान नहीं दिया, ना खुद आजम खान ने कुछ कहा, ना ही सपा प्रत्याशी तजीन फातिमा भी सामने नहीं आई है। अभी लगभग सपा की तरफ से कोई भी बयान ना देखने को ना सुनने को मिला ही नहीं है। शुक्रिया सफदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी, मतलब भाजपा ने भारत भूषण गुप्ता को रामपुर के उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने रामपुर की जनता से कहा कि आजम खान तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है और आप लोगों ने उन्हें सांसद बना के फैसला ले लिया। जी सफदर, क्या इस तरह से वो जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? उनकी इसी बात को लेकर के खासकर देखा जाए तो बीजेपी कैमरे में भी काफी नाराजगी की, इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक सांसद के लिए कर रहे हो जो कि पिछले 9 बार से लगातार रामपुर की इसी सीट से विधायक भी रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं। जी, तो अब देखने वाली बात यह है कि भारत भूषण गुप्ता इस तरह के टिप्पणियां कर क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की ओर आकर्षित कर पाएंगे, लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला लगता नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे। जी सफदर, क्या आजम खान की तरफ से इस बयान पर कोई टिप्पणी सामने आई है? फिलहाल अभी तक तो कुछ भी खुलकर किसी ने बयान नहीं दिया, ना खुद आजम खान ने कुछ कहा, ना ही सपा प्रत्याशी तजीन फातिमा भी सामने नहीं आई है। अभी लगभग सपा की तरफ से कोई भी बयान ना देखने को ना सुनने को मिला ही नहीं है। शुक्रिया सफदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।